السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين محترم ديني भाइयों زرقو नौजवान साथी अजीज़ बच्चों और इस्लामी माँ और बहनों आज के इस मजलिस में हमें और आपको ये मौका मिला है कि हम अल्लाह ताला कलाम पाक क़ुरान मजीद की सबसे अहम सूरत सबसे अफजल सूरत सूरह फातिहा के मानी और उसके पैगाम को सुने और समझें दिनी भाइयों हम सब जानते हैं कि ये सूरत इतनी अहम सूरत है कि नमाज जैसी महबूब तरीन इबादत बगैर इस सूरत के मुकम्मल नहीं होती इस सूरत का पढ़ा जाना लाजिम आप एक रकत में पूरा कुरान पढ़ जाएं अलफिलाीम से लेकर सूर्य तक तो पढ़ जाए लेकिन सूर्य फातह ना पढ़े ना काफ़ी नहीं है नहीं काम बनेगा नमाज नहीं होगी और आप अगर किसी वजह से सिर्फ़ सुर फातिहा ही पढ़ पाए बाकी नहीं पढ़ पाए तो भी नमाज हो जाए सुर फातिहा काफ़ी है नमाज की कबूलियत के लिए लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो पूरा कुरान भी आप पढ़ जाएं, वो ना काफ़ी इस सूरत की अहमियत इसकी फ़ज़ीलत के हवाले से ज़्यादा बातें नहीं करनी है हमें इसका पैग़ाम क्या है इसमें अल्लाह ताला ने हमें और आपको मैसेज क्या दिया है इस हवाले से बात करनी है नाम है फातिहा यानी अल फातिहा इसके अलावा भी इसके कई नाम हैं कोई बता सकता है दूसरा कोई नाम उम्मुल क़ुरान जी और हाँ सब मसानी जी और और असलाह क्या कसम तो सलात अबैनी व बैना अब्दी प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मैंने सलात को आधा आधा कर दिया है अपने अपने बंदे के दरमियान आधा आधा कर दिया है कौन सी सलात? सलाद मुरार फातिहा इसके चंद ये नाम से मुतल्लिक हमने कुछ बातें सुनी अब आइए शुरू करते हैं सबसे पहली आयत है रब्बिल आलमीन तर्जुमा करते हैं तमाम किस्म की तारीफात अल्लाह के लिए जो आलमीन है तमाम जहानों का रब है तमाम जहानों का रब है दीनी भाइयों क़ुरानी मजीद की जब भी तिलावत का आगाज़ किया जाएगा इन कुरान पढ़ना मकसूद हो इस्तलाल नहीं इसतदलाल और तवत में थोड़ा सा फ़र्क़ है मैं कोई बात कह रहा हूँ और उस बात पर मैं दलील देने के लिए अगर क़ुरान पढ़ूँ तो वहाँ तवुज़ पढ़ना ज़रूरी नहीं मैं डायरेक्ट आयत पढ़ सकता हूँ लेकिन अगर मैं तिलावत की गरज से कुरान पढ़ रहा हूँ तो कुरान मजीद का हकम क्या है फ़ैदा क़रातल क़ुरना फ़िल् मिन शानजीब कि जब तुम कुरान की तलावत का इरादा करो तो उससे पहले शैतानी मरदोज से पनाह मांग लो यानी शैतान के शर से उसके वसवसे से बच जाओ ये तुम्हें फ़िक्र होनी चाहिए और अल्लाह ताला से तलब कर लो कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा ले तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया कि बंदा ये कहे उसके मुख्तफ सैगें हैं आईदबिल्ला मिनत शैतानीम आदबिल्ल समीआली मिनत शैतानीम इसके अलावा भी और सैगें हैं हम एक की बात करेंगे सिर्फ कि हम कुरान मजीद की तलाब से पहले पढ़ते हैं आऊजिल्लाईम कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरद से अब इसमें समझे इसमें बैक वक्त बंदा तीन बातों का एतराफ़ कर रहा है कितनी बातों का तीन बातों का जब हम ये कहते हैं कि मैं पनाह चाह रहा हूँ यानी मुझे बचाओ मैं सेफ्टी चाहता हूं। तो मतलब हम कमजोर हैं पनाह कौन मांगता है बचाओ बचाओ कौन कहता है कमजोर आदमी को सहारे की जरूरत रहती है ना अब हम बाहर निकल रहे हैं बारिश होने लगी तो कौन भाग करके छुपता है जिसको भीगना ना हो कि मैं कहीं भीग ना जाऊं वही जाके छुप जाता है तो हम कमजोर हैं इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि मुझे बचा लो अभी किससे कह रहे हैं जिसकी पनाह तलब की जा रही है ख़ुद ब खुद हमने ये अकरार किया बल्कि ऐलान किया कि वो क़वत वाला है वो ताकत वाला है एक छोटी सी मिसाल दूंगा समझाने के लिए कि घर में कभी देखे बच्चे लड़ते हैं छोटे छोटे बच्चे झगड़ते हैं किसी बात पर झगड़ा हो गया और मारपीट शुरू होती है तो कभी कभी कोई बच्चा बचने के लिए भाग बाप के पास जाता है या माँ के पास जाता है बड़ी बहन के पास जाता है भागता है और क्यों वो समझता है कि ये मुझे बचा लेगा जिसके पास भाग के जा रहा हूँ ये मुझे बचा लेंगे तो वो ये इस तौर पे उसके जहन में बात रहती है कि ये मुझसे ताकतवर है और जो मेरा पीछा कर रहा है उससे निपट लेंगे तभी बाकी जाता है ना कि ये मेरी हिफाज़त कर लेंगे तो जब हम कहते हैं कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ तो दो बातें यही हो गई पहली चीज़ ये कि हम अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम कमज़ोर हैं और दूसरी चीज़ हम अल्लाह की ताकत का ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह ताकतवर है मीन रज़ीम वजीमें पना किस चीज़ से चाहिए किस चीज़ से भाग रहे हैं शैतान से और रज़ीम जो मरदूद है धुतकारा हुआ है भगाया हुआ है तो दीनी भाई एक बात और मालूम हुई कि शैतान इंसान का दुश्मन है जैसा कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया इन शैतान अली इंसानी कि शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है लेकिन उसकी दुश्मनी से बचना नामुमकिन नहीं है कि ना हो कि कैसे बचे बंदा जब अल्लाह की पनाह में चला जाएगा तो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा इसीलिए हमें मुख्तलिफ़ दुआओं में ये चीज़ मिलती है कि जिसमें पनाह सिखाया गया कि मतलब पनाह तलब कर लिया करो हमें और आपको दुआ सिखलाया कि हम बाथरूम में जाते हैं दुआ पढ़ते अल्लाह इन्नी का मीन वल ख़बा अल्लाह मुझे बचा ले किस से बचा ले खबु से और ख़बाई से यानी जिन्नात जो मर्द होते और ख़बाई जिन्नात जो औरतें होती इनसे अल्लाह मुझे बचा ले तो दीनी भाइयों शैतान ये कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है कि जिससे हमें बचना नामुमकिन हो हम बच ना सकें अल्लाह की पनाह में रहेंगे तो बचा ले जाएंगे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा घर से बाहर निकलता है वो कहता है बस्मिल्ल ला तब वला तो इल्ला बिल्ला तो उसके कुछ फ़ायदे हासिल होते हैं उसे कहा जाता है कि इसका काम बन गया ये हिदायत दे दिया गया और इसके लिए काफी है यानी दुआ ये पढ़ लिया ना अब इसका काम बन गया वन शैतान और क्या होता है शैतान उसके भाग लेता है उसका काम नहीं बनेगा वो पीछे हट जाता है तो हमें और आपको ये सिखाया गया कि जब हम कुरान की तिलावत शुरू करें उससे पहले ये पढ़ लें आउजिल्लाजीम क्यों पढ़ना है शैतान नहीं चाहेगा कि इस किताब की तुम तिलावत करो शैतान नहीं चाहेगा कि इस किताब के तुम करीब भी जाओ शैतान नहीं चाहेगा कि इस किताब को पढ़कर तुम अपने अंदर कोई तब्दीली पैदा करो इसलिए वो वसवसा पैदा करेगा आपका ध्यान भटकाएगा उससे बचने के लिए क्या कर लो ताउस पढ़ लो एक माना तो ये बताया गया दूसरा मान ये भी जिक्र किया गया कि आदमी जब कोई नेकी करता है कोई अच्छा काम करता है तो इस बात का अंदेशा रहता है कि आदमी थोड़ा सा सोचे कि मैंने कुछ किया है यानी थोड़ा सा यानी खुद पसंदी आना कि मैंने कुछ किया है तो शैतान से शुरू में पनाह मांग लो कि जो नेकी करने जा रहा हूँ इसकी नस्बत किसकी तरफ़ होगी कि अल्लाह ने चाहा तो मैं ये कर पाया अल्लाह ने मुझे बचाया शैतान से और मैं ये कर सका उसके बाद हम पढ़ते हैं बसमिल्लर रहीम कि मैं इब्तिदा कर रहा हूँ मैं शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो अर्रहमान है और अर्रहीम है यानी दोनों का तर्जुमा कर दिया था बेानतहा मेहरबान इंतहा रहम करने वाला है दीनी भाई पहली आयत रब्बील-आलमीन। हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है पहले हमद समझते हमद किस को कहते हैं तारीफ तर्ज़मा तो ये किया जाता है कि तारीफ लेकिन तारीफ भी अगर मोहब्बत के बगैर हो तो वह हमद नहीं है अगर मोहब्बत के बगैर किसी की तारीफ़ की जा रही है तो उसे हमद नहीं कहा जा सकता ये हमद कर रहा है हमद के लिए दो शर्तें एक दिल के अंदर तज़ीम हो मोहब्बत हो और दूसरी चीज जबान से बंदा कहे जबान से उसका अकरार करे नहीं कि दिल में रह गया खाली तो भी वह हमद नहीं तो भी वह हम नहीं बनेगा जब अंदर दिल के अंदर तज़ीम हो मोहब्बत हो और बंदा जबान से उसका इकरार करे अल्हम्दुलिल्लाह, तो यह क्या हुआ हमद बना कि अल्लाह तला की उसने तारीफ की प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने कदी इसमें फरमायाल्हद्ला ही तमल मीज़ान इसकी फजीलत बताई कि बंदा जब कहता ना अल्हम्दुलिल्लाह तो इतना अफजल काम है इतना बेहतर काम है ये सवाब का काम है अजर का काम है कि मीज़ान भर जाता है ये इसकी नेकी इतनी अज़ीम है कि मीज़ान भर जाता है मीज़ान यानी जब हम आखिरत में हमारे आमाल तोले जाएंगे तो वहाँ इस जुमले का ये वज़न होगा कि इससे पूरा मीज़ान भर जाएगा इसकी ये कैफ़ियत होगी हमें मुख्तलिफ़ दुआओं में ये सिखाया गया कि हम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें ठीक है तो क्या कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सोकर उठते हैं सबसे पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं अलहद ला लधी आह बदम ऐसे और भी दुआओं पर गौर कर लें बहुत सारी दुआएँ ऐसे हैं जिससे पहले क्या पढ़ना है अलहमद बंदा कहता है खाना खाने के बाद भी क्या कहता है अलहमद तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदे अल्लाह की हमद करें अल्हम्दुलिल्लाह। ला इसलिए हालचाल भी कोई पूछता तो हम क्या कहते हैं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का एहसान है हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए रभ है रबालमीन तमाम जहानों का रब है रब का तर्जुमा रब भी कर दिया जाता है लेकिन इसमें कई माने शामिल हैं जैसे पहले एक मिसाल समझे ताकि उसको समझना आसान हो सके हम एक लफ्ज में कहते हैं कि हमारी माँ है क्या कहते हैं हमारी अम्मी है हमारी माँ है लेकिन वो हमारे लिए क्या है ये समझे वो हमारे लिए है क्या हमारे लिए खाना बनाने वाली हमें जो जरूरत है उसको पूरा करने वाली हमारे लिए दुआएं करने वाली हम बीमार हैं तो हमारी खातिर तोज़े करने वाली यानी आप गिनने बैठेंगे तो बहुत सारे काम जो माँ करती है शख्सियत एक है लेकिन काम मुख्तलिफ है वही मैनेजर भी है पूरा मैनेज भी करती है वही ख़ुद काम भी करती तो दीनी भाइयों ये तो सिर्फ़ समझाने के लिए थोड़ा जहन बनाने के लिए मिसाल दी गई अल्लाह की रात बहुत बहुत बुलंद है वो हमारा रब है रब और जब बंदे को ये एहसास हो जाए ना कि मेरा एक रब है तो बहुत पावरफुल उसको हो जाना चाहिए नहीं मैं हूँ मेरे वालिद साहब हैं मेरी वालदा हैं मेरे घर के अफराद हैं लेकिन ये इनके अंदर कोई ताकत नहीं इनके अंदर कोई पावर नहीं ये कर भी मेरा भला नहीं कर सकते चाहे कर मेरे सर में अगर दर्द है मेरी वालिदा को मुझसे कितनी भी मोहब्बत हो वो उस दर्द को नहीं ले सकती मेरे सर में अगर दर्द है मेरे अबू कुछ भी करें लेकिन वो उस दर्द को खत्म नहीं कर सकते कौन कर सकता है मेरे पास दुनिया भर का माल आ जाए लेकिन मैं खुश रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसका फैसला कौन करेगा ना ना, कितने सारे मालदार रोते रहते कितने गरीब है दिन भर काम किया शाम में पगार लिया और खुश मगन है तो अल्लाह ताला रब है उसी ने पैदा किया खालिक वही मालिक मालिक मतलब कंट्रोल उसका चलता है कंट्रोल हमारा नहीं चलता है मुझ पर ही कंट्रोल किसका चल रहा है अल्लाह ताला इख्तियार अल्लाह ताला ने मुझे दिया है कि मैं ये करूं कि वो करूं लेकिन जैसे अल्लाह ताला चाहे स्विच ऑफ कर दे जैसे अल्लाह ताला चाहे पाउस कर दे कुछ नहीं कर सकता हमें से कोई नहीं कुछ कर सकता है वो मालिक है वो मुकम्मल तौर पर मालिक हम कुछ कर ही नहीं सकते हम में से कोई भी आदमी बूढ़ा होना पसंद करेगा लेकिन रोक के दिखाओ कोई भी रोक के दिखाए कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ नहीं कंट्रोल है कोई कंट्रोल नहीं तो अल्लाह ताला हमारा खालिक उसने पैदा किया वो हमारा मालिक है वो हमारा राजिक है और में ये भी शामिल है राजिक मतलब हमें अता करते रहता है कुछ ना कुछ देते रहता है रिस्क का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं थक जाते नींद आ जाए सो जाए वो भी, वो, भी वो है रिस्क है ना नींद आए ना सो तो दूसरे दिन काम कैसे करोगे बेचैनी छाई रहेगी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी अल्लाह ताला देता है अच्छा ये देखिए कि अल्लाह ताला रब है और जब जिसको जहां जितनी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से देता है उसी हिसाब से देता है एक बच्चा इस दुनिया में आता है वो रोटी नहीं खा सकता चावल नहीं खा सकता उसके मुँह में दांत नहीं रहते तो उसके लेकिन उसको ज़िंदा रखना है उसको ज़िंदगी आगे चलानी है तो उस वक्त अल्लाह का एक अलग अलग निज़ाम चलता है उसके माँ की छाती में दूध आता है वो दूध पीता है चलता है थोड़ा थोड़ा जैसे बड़ा होता है दूसरे कैफियत में चला जाता है और बड़ा होता है दूसरे कैफियत उसकी ज़िंदगी में अलग अलग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अल्लाह ताला सब देते रहता है और ऐसा वो सिर्फ़ हम इंसानों के लिए नहीं है किसके किसके लिए है पूरी कायनात में जितनी मखलूक है सबके लिए वो रब्बुल आलमीन है तमाम जहानों का रब है कोई भी एक मखलूक उठा कर देख लें एक चूंटी चल रही कहीं अब उसका भी रब अल्लाह अल्ला है कोई इतनी छोटी सी कोई मशीन बनाए अच्छा खासा खर्चा आता है उसके बाद उसकी तजारत होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स सा आती है और देखिए कितनी प्यारी प्यारी, प्यारी चिड़ियाँ उठते रहती हैं पूरी दुनिया में अब उनको खाना देना उनका एक निज़ाम उनकी ज़िंदगी का सब तमाम चीज़ों का रब कौन है अल्लाह आलमीन तो अल्लाह ताला ने फरमाया फरमायालहदुल्ल तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है इसमें दो चीजें आ गई हमद किसके लिए अल्लाह के लिए तोहैद उलूहत अकीदे की किताब में पढ़ते हैं तोहैद उलूहियत यानी बंदा इबादत को खास करे किसके लिए अल्लाह के हमद करना एक इबादत है हमद करना एक इबादत हमने इसको खास कर दिया किसके लिए लिल्लाह ये किसके लिए है अल्लाह रब्बिल आलमी तमाम जहानों का रब है ये तौहीद रुबूबियत तौहीद रुबूबियत के हम मानते हैं कि अल्लाह ताला रब है सबको पैदा किया सबको जिंदगी दे रहा है सबको खिला पिला रहा है जिस तरह से चाहता अल्लाह ताला करता है अर रहमान अर रहीम अगले आए वो रहमान है वो रहीम है अर रहमान अलरा इसमें थोड़ा सा फ़र्क किया है बाज़ मुफस्सिरीन ने और बहुत अच्छे से समझाया इसको मुख्तसर में समझाऊ कि अल्लाह रहमान है सब के लिए रहमान है सब के लिए इसलिए बारिश होती है तो एक एक गैर मुस्लिम के खेत में भी बारिश होती है एक मोमिन के घर खेत में भी बारिश होती है दुनिया में अल्लाह सब पर रहम करता है जो जो ज़रूरतें रहती है अल्लाह ताला पूरी करता है क्योंकि वो रहमान है लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला मोमिनों के लिए जो रहमत ख़ास करेगा वो क्या है अर रहीम की सिफत एक माना ये बताया जाता है यही मिलता जुलता माना रब का भी जिक्र किया जाता है इस तरह से कि अल्लाह ताला की रुबूबियत की दो किस्म है एक रबूबियत है आमा और एक रुबूबियत ख़ास रबूबत आम्मा सब के लिए है यानी अल्लाह ताला रब है तो अल्लाह ताला ने एक गैर मुस्लिम को भी आंख दी है वो भी देखता है फ़ायदा उठाता है उसको भी पैर दिया वो भी चलता है उसको भी अल्लाह ताला खाना देता है उसको भी अल्लाह ताला पानी देता है उसको भी अल्लाह ताला ऑक्सीजन देता है उसको भी ज़रूरत रहती है तो जो जो चीज़ें ज़रूरत रहती है अल्लाह ताली उस सारी चीज़ आता करता है आम रबूबियत है लेकिन एक रबूब है खासा जो अल्लाह ताला सबको नहीं देता है उन्हें ही देता है जिन्हें पसंद करता है जैसे गौर करो ऐसी कौन सी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने उन्हें ही दी जिन्हें पसंद करता है अल्लाह ताला जी ईमान क्या दौलत ईमान नफ़ा बख्श इल्म जिससे फ़ायदा पहुँचे ऐसे ही सराते मुस्तकीम पर चलने की तोफ़ी ये ख़ास रूवियत है जो अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों को देता है इसे दूसरे लोग महरूम हैं उन्हें अल्लाह ताला ये नहीं देता अगर उनकी तलब सच्ची हो अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह ताला की मर्जी अल्लाह चाहे, चाहे तो दे चाहे तो अल्लाह ताली ना दे अगली आयत है मालिक की कि अल्लाह तदले के दिन का मालिक है मालिक है बदले के दिन का तो आज के दिन का कौन मालिक आज के दिन का भी तो मालिक अल्लाह ताला है तो अल्लाह ताला ने यहाँ क्यों कहा? अल्लाह ताला बदले के दिन का जी जी देखिए दुनिया में वक्ती तौर पर अल्लाह ताला ने मिल्कियतें आर्यतन आर्जी तौर पे अल्लाह ताला ने दे रखा है मिल्कियत मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ अल्लाह ताला ने बनाया है मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका मालिक लेकिन ज्यादा से ज्यादा जब तक इसकी उम्र रहे दो चार साल या जब तक मेरी उम्र रहे फिर खत्म होगा अगर मैं आज खत्म हो जाऊँ तो कल इसका मालिक कोई दूसरा बन जाएगा हमारी कोई भी चीज़ वो मिलकियत तामा नहीं होती कि हमेशा के लिए हमें मिल गई वो नहीं उसी घर उसी खेत उसी प्रॉपर्टी का मालिक बदलते रहता है वही फ्लैट है आज से सौ साल पुराना रिकॉर्ड निकालो क्या और मालिक था उसके बाद कोई और मालिक बना फिर कोई और मालिक बना यानी उसका वो उस, उसका मालिक चेंज होता रहा है मुसलसल बदलता रहता है और उसकी ज़िंदगी में भी कभी कभार उसका मालिक वो नहीं रह जाता है किसी चीज़ का आदमी मालिक को कोई कार खरीद रखा है मुमकिन है हालत बदल जाए मैं उसका मालिक ना रह जाऊं तो ये जो मिलकियतें अल्लाह ताला ने दुनिया में दे रखी हैं ये भी क्या है आर्जी तौर पर है जिसमें आदमी को बड़ा नाज हो जाता है बड़ा गुरूर हो जाता है बड़ा घमंड हो जाता है और यहाँ भी अल्लाह ताला ही मालिक है लेकिन चूँकि आखिरत में जिक्र करने के लिए भी किसी चीज़ की मिल्कियत नहीं रहेगी इसलिए खास तौर तो पे कहा मालिक की योम दिन अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है एक अकीदा हमें क्या मिला इससे कि हम मोमिन इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं इस अकीदे के साथ कि हमारी एक आखिरत भी है हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका बदला मिलेगा अब बदला अच्छा भी मिल सकता है और बदला बुरा भी मिल सकता है नहीं अगर बुरे अमाल है तो बुरा बदला अच्छे अमाल है तो अच्छा बदला मिलेगा हम इस अकीदे के साथ जिंदगी हमें हम्या, हमारा अकीदा ये नहीं कि यहीं रह करके मगन रह करके ज़िंदगी ऐसे गुजारे जा कि कुछ परवाह नहीं पड़ी हम तो इस बात को दिन में कितनी मरतबा याद करते हैं ये, ये डेली पढ़ी जाने वाली याद है ना मालिकियों में दिन कितनी मरतबा दिन में पाँच अलग अलग वक्त में अगर सिर्फ फर्ज रकतें जोड़ें तो सत्रह मरतबा हो गया कितनी मरतबा फजर में दो रका जहर में चार असर में चार 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 आठ दो दस वहाँ फिर तीन मगरिब तेरा और चार चारम अज कम फर्ज रकतें कितनी हो गई सत्रह मरतबा हर आदमी से कहा गया है कि तुम अल्लाह ताला के सामने आकर त करके करो कि अल्लाह तला योम जजा का मालिक है बदले के दिल का मालिक अगर आदमी पूरे एहसास पूरे शुरू के साथ इस चीज को अपने दिल में बसा ले तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि, कि किसी का एक रुपया भी वो खा ले उसकी जरूरत नहीं होगी वो ये सोचेगा एक दिन आएगा हिसाब किताब हो जाएगा अच्छा हिसाब किताब का निज़ाम भी इतना आला अल्लाह ताला के यहाँ कि हम जो बोलते हैं वो भी, भी लिखा जाता है जो करते हैं वो भी लिखा जाता है तो मैं यहाँ अमल मिसकाल अजर रतन खैर अमल मिसकाल अजहर रतन शरिया खैर करो तो भी देखोगे बुरा करो तो भी देखोगे इतना इतना जबरदस्त निज़ाम का तो उसके किसी की जुरत कैसे होगी कि ये चीज़ जो मेरी नहीं इसको मैं कैसे ले लूँ क्योंकि अगर ये मैं ले रहा हूँ ये गलत काम है तो वहां पर लौटाया जाएगा उसको या उसकी मुझे सजा दी जाएगी खतरनाक बात बंदे को यह याद दिलाया जाता है और क्यों याद दिलाया जाता है मगन ना हो जाए कि अर रहमान है अर रहीम है तो बेतहा मेहरबान बेतहा रहम करने वाला है क्या क्या टेंशन जैसे कहा कि रहमान रहीम फौरन याद दिलाया मालिक उम्मीदी बदले के दिन का मालिक है यह भी याद रखो ऐसे नहीं कि चाहे जैसे जिंदगी गुजारो बिल्कुल बेखौफ होकर के उम्मीद भी रहे अपने अच्छे अमाल का बदला मिलने की आरजू भी रहे लेकिन साथ साथ खौफ भी रहे डर भी रहे अल्लाह की मोहब्बत में हमने अल्लाह की हमद की अल्लाह के रहमान और रहीम होने की वजह से हमें उससे उम्मीदें वस्ता है और अल्लाह ताला के मालिक होने के क़यामत के दिन का मालिक है ये चीज़ हमारे अंदर क्या पैदा करती है खौफ पैदा करती है पहली आयत कि वह रबालमीन है इसकी वजह से हमारे दिल में मोहब्बत पैदा होनी चाहिए मोहब्बत पैदा होनी चाहिए मोहब्बत जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना तो उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है हमें अपने बच्चों से मोहब्बत होती तो उनके लिए तो सारी भाग दौड़ करते जब किसी से आपको मोहब्बत होगी तो उसके लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होगा और मोहब्बत नहीं है तो फिर उसकी परवाह नहीं रह जाती आदमी कभी कर भी देता तो कभी नहीं करता है कोई परवाह नहीं रहती ये जितने बेनमाजी होते हैं ना हकीकत में इनके दिल में वो मोहब्बत है ही नहीं है होती ही नहीं है कि जिस आवाज़ पर वो चले आए दौड़ करके इंसान जिससे भी मोहब्बत करता है दुनिया के अंदर किसी से भी अगर उसको पुकारे तो इंसान पहली फुर्सत में कोशिश करेगा कि जाऊं उसके पास में, क्योंकि उसे मोहब्बत है लेकिन मोहब्बत नहीं है तो आदमी इग्नोर कर देगा नज़रअंदाज कर देगा नहीं ध्यान देगा हमें अगर अपने रब से मोहब्बत हो और मस्जिद से अजान हो आवाज़ आए कि अल्लाह ताला बुलवा रहा है कि आइए और अल्लाह के सामने सजदा कीजिए रुकू कीजिए उसकी हमद बयान कीजिए उसकी पाकि बयान कीजिए उसका उसका कलाम पढ़िए आदमी सिरे से नज़रअंदाज कर दे क्या मोहब्बत है उसके दिल में उसको इतना शुरू नहीं इतना एहसास नहीं कि दुनिया में भी एक दूसरे को अगर आदमी हाँ नोटिस करे तो एक इंसान ये बुरा मानता कि उसने किसी को बुलाया और वो उसने सुना नहीं हम इंसानों की बात कर रहा हूँ अगर कोई किसी को आवाज़ दे कोई एक बुजुर्ग आदमी है या अपने घर का कोई बड़ा आदमी है किसी अपने नौजवान बेटे को नौजवान भाई को आवाज़ दे रहा अगर वो कि इधर जरा सुनो मेरी बात और वो सुन करके देख करके फिर चला जाए तो कहेगा इसने मेरे साथ बदतमीजी की मतलब ये ये बदतमीज लड़का है ये कितनी बड़ी बदतमीजी है ये कितनी बड़ी बदसलूकी कितनी बड़ी बदखलाकी है कि अल्लाह ताला बुलवाता है और हमें परवाही नहीं क्यों मोहब्बत नहीं है मोहब्बत नहीं अच्छा कुछ लोग ऐसी कैफियत में भी रहती दिलो दिमाग उनका ऐसा बन चुका रहता है या इस कैफियत में रहते ना कि उनको चूंकि आखिरत तक सोचते नहीं इसलिए उम्मीद की भी कोई बात नहीं रहती बस ऐसे ही जैसे एक गैर मुस्लिम बगैर किसी अकीदे के जीता है ऐसे वो भी जीते जिंदगी चल रही और जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो खौफ किस बात का किस बात का डर उसको कोई डर भी नहीं लगता है। जबकि मोमिन की जिंदगी कैसी मोहब्बत है दिल के अंदर साथ ही साथ उस मोहब्बत के साथ ही साथ उसको अल्लाह ताला से उम्मीदें हैं और जब गलती करता है कुछ गलत करता है तो डर भी लगता है ये तीन कैफियत उसके दिल में रहती है तो बेहतरीन जिंदगी आदमी गुजारता है बेहतरीन ज़िंदगी आदमी गुजारता है और नहीं है तो कोई बात नहीं तो फिर आदमी जैसे चाहे वैसे ज़िंदगी गुजारे तो दीनी भाइयों शुरू में था अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कस्म की तारीफ अल्लाह के लिए यानी अल्लाह ताला काबिल हमद है अल्लाह होने में काबिल हमद है यानी वो वो मबूद है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ही इबादत होनी चाहिए क्यों रबालमी अगर सवाल किया जाए अल्लाह की इबादत क्यों या अल्लाह की हमद क्यों तो क्या जवाब होगा आलमीन वो क्या है तमाम जहानों का रब है ये तारीफ़ तारी आप इसलिए करें कि वो तमाम जहानों का रब है इसलिए आप तारीफ़ करें अर तारी अर रहमान रहीम वो जैसे काबिल हमद है रब होने में यानी वो ऐसा रब है कि हम खुद ब खुद उसकी तारीफ़ करेंगे वो ऐसा रब है कि हम खुद ब खुद उसकी तारीफ करेंगे ऐसे वो ऐसा रहम करता है कि उसमें भी हम उसकी तारीफ़ करें तारी तारी तार अलहमद अल्लाह की हमद इसलिए क्योंकि वो रहमान रहीम है बेहतरीन रहम करने वाला है इतना रहम इतना रहम कि आप देखें एक आदमी कोई गुनाह करता है उससे पहले गुनाह से पहले, गुना पहले अल्लाह ताला ने मना किया ये काम मत करो फिर वो गुनाह के गुना करीब गुना जाता है अगर वाकई जुड़ा हुआ है तो उसको सारी बातें याद आएंगी कि अच्छा ये चीज़ जायज़ नहीं है ये चीज़ मना है अंदर से उसका नफ्स उसको रोकेगा उसको बोलेगा उसको याद दिलाएगा लेकिन आदमी नहीं परवाह करता है चला जाता है वो गुनाह कर बैठता है फिर उसको नदामत होती है उसको अफसोस होता है फिर अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बात नहीं अगर तुम्हें तौबा करने के आना है तो आ जाओ बल्कि तौबा करो और वापस आ जाओ ये क्या है अल्लाह की रहमत है दो साल चार साल छह साल बाद भी अगर आदमी तौबा करता है तो वापस से वापसी का रास्ता खुला हुआ है ये अल्लाह की राहमत कि अल्लाह माफ़ भी कर देता है गुनाहों को हदरगुजर करता है और फिर उस पर सवाब देता है उस पर अजर देता है तो अल्लाह ताला रहम करने वाला है इसमें भी अल्लाह ताला काबिल हमद है और मालिक है मालिक यो जजा का मालिक है इसमें भी काबिल हमद है कि एक आदमी जिसको कुछ लोगों ने सताया हो परेशान किया हो उसके कुछ हड़प कर रखा हो तो उसके दिल की प्यास नहीं बुझती है उसके दिल की तड़प ख़त्म नहीं होती तड़प ख़त्म नहीं होती है ऐसा अंदर से रहता है कि मतलब मेरे साथ इंसाफ़ नहीं हुआ तो एक मोमिन ये सोचता है यहाँ इंसाफ़ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं वहाँ मेरा रब देगा यौम ला नफ्सु नफसुल्ली नबसिन शाह उस दिन तो कोई किसी की चलेगी नहीं वहाँ पर वहाँ किसी की उस दिन चलने वाली नहीं है मुकम्मल कंट्रोल किसके हाथ में अल्लाह ताला ना कोई किसी को फ़ायदा पहुँचा पाएगा ना कोई किसी को नुकसान पहुँचा पाएगा जो अल्लाह ताला चाहेगा वही वहाँ पर होने वाला है तो दीनी भाइयों मालिक उमदीन अल्लाह ताला बदले के दिन का मालिक है हमने अल्लाह की हमद की हमने अल्लाह को रब कहा हमने अल्लाह को रहमान कहा हमने अल्लाह को रहीम कहा हमने अल्लाह को मालिक कहा ये हम क्या कर रहे हैं अल्लाह के गुण गा रहे हैं क्या कर रहे हैं अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं काबिल हमद अल्लाह है तमाम जानों का रब अल्लाह है वो रहमान है वो रहीम है बदले दिन का मालिक है उसके बाद हम कहते हैं इया का ना कि हम तेरी ही इबादत करते हम तेरी ही इबादत करते हैं इया का ना व ईया का नस्ताइीन और हम तुझी से मदद चाहते हैं दो चीज़ें इसमें हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं पहले इबादत का जिक्र किया गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं उसके बाद किसका जिक्र किया गया तुझी से मदद चाहते हैं इसमें मुफसरिन ने बहुत सारे नुकते निकाले हैं बहुत सारी बातें बताई हैं इलमी फवाद बताए कि देखिए इससे ही पता चलता है इससे ही पता चलता है एक तो ये पता चलता है कि बंदा अगर इबादत करता रहे तो अल्लाह की मदद आती है हम इबादत करते हैं वया कहना तुझी से मदद चाहते है यानी इबादत ये जरिया बनती किसका मदद का इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी आती क्या करते नमाज़ पढ़ते इबादत करते क्या होती मदद आ जाती रज़ बदर में यही हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर इबादत की दुआएँ की दूसरे दिन यानी मैदान जंग में जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह ताला ने तीन हज़ार फरिश्तों को भेजा बाद में फिर और तादाद बढ़ा दी गई तो अल्लाह की मदद आती कैसे इबादत करने से जब बंदा इबादत करता है इबादत करना किसका हक हाँ है अल्लाह का इबादत की जाए किसका हक हाँ है अल्लाह का और फिर मदद तलब कर ली जाए किसका हक हाँ है हमारा हम 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 इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो बंदे ने पहले अल्लाह का हक अदा कर दिया कि इबादत किया अल्लाह ताला अब अल्लाह ताला से मांग रहा है अब अल्लाह ताला से मांग रहा है कि हम तुझी से मदद चाहते हैं ईया का ना व ईया का नस्तीन एह दीन शैरात वालमस्तकीम यह बहुत ही अहम आयत क्योंकि यहाँ बर रास्त अब दुआ शुरू हो गई एह दिन सैरात वालमस्तकीम हमें सरात मस्तीम की हिदायत दे हिदायत का माना मैंने ज़िक्र किया था गालिबा कि हिदायत यह है कि हमें सीधी राह दिखे ये सीधी राह है ऐसे यहां से जाऊँगा फिर इधर से जाऊँगा तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं कुरला तो ये इधर जाके फिर इधर जाना है यानी सीधी राह नहीं है इसमें क्या है मुड़ना है ऐसा ऐसा अश्वरात किसे कहते हैं अश्वरात जो कुशादा हो कुशादा ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट सीधा मंजिल को जाता हो एकदम सीधा एकदम वाजें ये यहां से गया सीधा रास्ता मंजिल तक सो तो क्या कहते हैं असरात तो ये असरात हमें दिखा कि हम देख लेंगे अच्छा ये असवरात और फिर इस जाहिर सी बात है एक आदमी को रास्ता दिखे और उस पर वो चले नहीं क्या फायदा मुझे पता है ये रास्ता वहां जाता है वो मेरी मंजिल है लेकिन मैं अगर इस पे चलूँ नहीं तो कैसे पहुंच पाऊंगा तो जब बंदा कहता है मुस्तकीम तो उसका माना ये हुआ कि हमें सीधी राह दिखा और सीधी राह पर चलने की तौफीक भी दे इतना काफी है कि आदमी को रास्ता दिखा रास्ता पे चलने लगा चलते 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 मंजिल तक पहुंचे इसलिए दुआ सिखलाएगी लाएगी रब्बना ला तुझे कुलू बना बाद कि हिदायत मिल जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि टेढ़ा जा हो जाए दिल अमारा रब ऐसा ना हो उस पर चल, चलते रहे अल्लाह मदीनी फीमन वो उसमें शामिल कर दे जिनको तूने हिदायत दे रखी उन्हीं लोगों में से हम हो जाए ताकि सीधी राह पर सीधी राह देखने के बाद मुसलसल सीधी राह पर चलते रहें यही दीना मुस्तकीम अच्छा यहाँ खाली अपने लिए नहीं दुआ की गई कि अल्लाह मुझे सीधी राह पर इहदिना हमें सीधी राह दिखा सीधी राह पर चला यानी मोमिन इसको सबकी फिक्र लगी रहती है खाली अपने बारे में नहीं सोचता है या अयोल्दी अमनकू अनफुसकुम अहली कम ना अपने आप को बचाओ अपने घर वालों को बचाओ किससे तो बंदा मांग अल्लाह से जब मांग भी रहा है ना तो खाली अपने लिए नहीं मांग रहा है वो कह रहा है कि हमें सीधी राह पर चला हमें सीधी राह दिखा हमें सीधी राह चला दिन मुस्तकीम अच्छा देखिए मांगने का तरीका यही है कि अल्लाह से जब मांगना रहे तो पहले अल्लाह की तारीफ़ की जाए पहले अल्लाह की तारीफ से तो शुरुआत हुई अलहमद लाही रबीन अर्रहमान अर्रहीम तो तारीफ़ की पहले अल्लाह ताला की फिर जाकर मांगा एह दिन रातमस्तम कि हमें सीधी राह दिखा सीधी राह पर चला और ये बंदा दिन में कम से कम सत्रह मरतब मांगता है खाना नहीं मांगता पानी नहीं मांगता अपनी रोजी में कुशादगी की दुआ आदमी कर सकता है जायज़ है लेकिन बाकायदा फ़र्ज़ हो कि मांगो ऐसा नहीं है बेहतर जिंदगी हो बंदा मांगना चाहे मांग सकता है लेकिन फ़र्ज हो कि नहीं आकर के मांगो ऐसा नहीं जितनी पाबंदी से आदमी फ़र्ज नमाजों के बाद दुआ करता है मतलब इज्तमी तौर पर दुआएँ मांगते हैं साबित तो नहीं है इस इस नुक्ते पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने हाँ हमें ज़िंदगी गुजारने में बहुत सारी चीज़ें हमारी मुआवन होती तो ही हमारी जिंदगी चल पाती है ऑक्सीजन ना रहे जिंदगी रुक जाएगी खाना ना रहे जिंदगी रुक जाएगी पानी ना रहे जिंदगी रुक जाएगी ठहर जाएगी परेशान हो जाएंगे जिसमें ताकत वक़ुत ना रह जाए परेशान हो जाएंगे लेकिन इन चीज़ों के बारे में मांगना फर्ज रहे ऐसा नहीं है मांगना फर्ज किसके लिए करा दिया क्या चीज़ मांगने के लिए एक दिन सरात हमें सीधी राह दिखा हमें सीधी राह पर चला तो पता चला हालांकि अकवाल बहुत सारे मौजूद हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो बंदे के लिए है जिसकी सबसे ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए कि वो सरारत मुस्तकीम पर है कि नहीं है सबसे बड़ा टेंशन ये लेके घूमना चाहिए किसी भी इंसान को अगर नहीं है सरत मुस्तकीम पर सरत मुस्तकीम तलाश करे सरत मुस्तकीम मिल गई तो अब उस पर चल चले चलने की फ़िक्र करे और मुसलसल चलता रहे ये उसका मिशन होना चाहिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम होना चाहिए कि मैं सरत मुस्तकीम पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ जैसे भटकेगा वैसे फौरन गुमराह हो जाएगा क्यों क्योंकि शैतान ने यही कहा था थाउन सिरात तकल मुस्तकीम जब अल्लाह ताला ने शैतान को निकाल दिया वहां से भगा दिया खदेड़ दिया दुश्मनी तो तभी से है तो उसने ये कहा कि इनकी वजह से मुझे भगाया गया इन इंसानों की वजह से मुझे भगाया गया अब देखो मैं क्या करता हूं अब मैं करता क्या हूं अल्लाह ताला से तो उसने पहले मोहलत मांगी क्या मांगी मोहलत मांगी अल्लाह ताला से कि मुझे मोहलत दे फंजर ने अला योमी ये बसून क़यामत तक कि मुझे मोहलत चाहिए कि मैं इनको बहटकता रहूँ इनको भटकाता रहूँ और अल्लाह थाल ताला ने सुन भी ली अल्लाह ताला ने सुन भी ली उसने मांगा और अल्लाह ताला ने दे भी दिया ठीक है जब तुझे मोहलत दी गई अब वो कहता है कि दाएँ से आऊँगा बाएं से आऊँगा यहाँ से आऊँगा यहाँ से आऊँगा मैं बहकाऊँगा और सबको नाशुकरा बना दूँगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा और आकर के सरात मुस्तकीम पर बैठा रहूंगा मुस्तकीम पर आकर बैठा रहूंगा क्यों बैठा रहूंगा रास्ते में जैसे वो रहता है ना ब्रेकेट लगा दिया जाता है आगे नहीं जा सकते हो तो वो ऐसे ही आके बैठा रहता है कि कोई इस रास्ते से गुजर के मंजिल तक नहीं जा, जा जाए और अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ सला दी कि हम यही आकर के दिन में मांगे कि अल्लाह हमें सराते मुस्तकीम पर चलना है हमें सीधी राह पर चलना है हम आकर के यही मांगे हिदायत वाले बनने के लिए हम आ करके बाकायदा मांगे अलग अलग वक्त में यह एक चीज़ और बताएं ईमानदारी के साथ कि बंदा किसी से भी किसी ज़िम्मेदार से जिसके दिल में रहम हो और जो कादिर हो उस देने पर कोई भी इंसान उससे कहे कि भाई मुझे दस हज़ार रुपये दे, दे दीजिए पहली चीज़ तो उसके दिल में रहम हो और दूसरी चीज़ उसके पास हो भी देने के लिए एक मरतबा दो मरतबा तीन मरत आदमी पिघल जाएगा दे देगा उसके बाद वाफर मकदार में आदमी दे देगा रहम है ना अंदर उसको रहम आ रहा है तो कैसे क्यों नहीं देगा रहम ही की वजह से हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं अगर रहम निकल जाए दिल से कोई किसी का ख्याल नहीं रख पाएगा एक माँ को सबसे ज्यादा परेशान उसकी औलाद करती है सबसे ज्यादा नींद में खलल किसी काम में खलल बल्कि उन्हीं की वजह से सारे काम एक माँ बाप को सबसे ज्यादा अजीयत परेशानी अगर हकीकत में देखा जाए तो उनके बच्चों से मिलती है लेकिन रहम होने की वजह से कुछ एहसास तक नहीं होता कभी कभार गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा आदमी डांट देता है इतना रहम माँ के दिल में होता है तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हम अल्लाह को कहते हैं कि अर रहमान है अर्रहीम है क्या मतलब ये सिफत मबालगात मुण, मुशबा है, है अरबी ग्रामर के हिसाब से यानी सरापर रहमत रहम करने वाला है और उससे हम आकर के कह रहे हैं कि सराते मुस्तकीम पे चला और नहीं चलने देगा समझ में आती बात कि जो सरापर रहम करने वाला है उससे हम आकर के दिन में सत्रह सत्रह मरतबा कम अज कम कहते हैं कि हमें सरात मुस्तकीम पर चला वो नहीं चलने देगा नहीं दुआ कबूल करेगा तो हुक्म किस लिए दिया है फिर किसने फर्ज कर दिया है अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि बंदे सीधी राह पर चले और बंदा ये ना भूल जाए कि मैं किस लिए आया हूं इसलिए इसको फर्ज कर रखा है कि बंदा याद करता रहे कि मैं किस लिए दुनिया में आया हूँ और सरात मुस्तकीम पर चलने की उसको फ़िक्र लगी रहे आगे अल्लाह ताला फरमाया सराक लदीन अन अलैहिम उन लोगों की राह पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ यानी इनाम उन्हीं पर हुआ जो सरात मुस्तकीम पर थे उन्हीं पर इनाम हुआ अल्लाह ताला ने फ़रमाया तो का अनुमीनबीन व सद्दीक़ीन व शुहदा व कि अल्लाह की नेमतें हुई हैं नबियों पर सदीक़ी पर शुहदा पर और साल पर यानी हम ये दुआ करते कि अल्लाह जैसे नबी ज़िंदगी गुजारते थे तेरी राह पर रहते हुए जैसे शहदा ने ज़िंदगी गुज़ारी जैसे सिद्दीक़ी ने ज़िंदगी गुजारी हमें ऐसा बना दे हम उनकी तरह से ज़िंदगी गुजारी हम आ करके अल्लाह ताला से दुआ करते अब नबी झूठ नहीं बोलते हमें झूठ छोड़ देना चाहिए नबी नबीबत नहीं करते हमें गबत छोड़ देना चाहिए नबी अल्लाह की तोहद के लिए हमेशा सरगर्म रहते हैं हमें ऐसा रहना चाहिए नबी अल्लाह का कोई हुक्म नहीं तोड़ते हमें वैसा रहना चाहिए जो भी सिफतें हैं अपनाने की कोशिश करनी चाहिए ये हम अल्लाह ताली से दुआ करते हैं सरात अल्लादीनताैरलम गैरमूब अल्लाह उन लोगों की तरह से न बना या उन लोगों की राह पर न ले जा जिन पर तेरा गज़ब हुआ मुराद यहूदी कौन लोग यहूदी और क्यों गज़ब हुआ वजह क्या बताई जाती है कि इनके पास इल होता था उसके बावजूद ये अमल नहीं करते थे और फिर बहुत सारी आते हैं कि इन्हें हुक्म दिया गया ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो नहीं मानते थे मानते ही नहीं थे कभी कभी तो बिल्कुल तुर्की बतुर्की जवाब दे देते थे, थे कि जाओ तुम करो तुम्हारा रब करे ऐसा कह देते साहब जाओ तुम करो और तुम्हारा रब करे हमें नहीं करने का तो अल्लाह ताला का ग़ब हुआ इन लोगों पर अल्लाह का गज़ब हुआ यानी अल्लाह के ग़ब का शिकार हुए ये लोग जैसे अल्लाह ताला की सिफत को रहम करता है ऐसे अल्लाह की सिफत क्या पता चली कि अल्लाह ताली हजफनाक भी होता है अल्लाह गुस्से में भी आता है जैसे अल्लाह इनाम करता है कि उसकी, उसकी बात मानो उसकी राह पे चलो तो ता अल्लाह ताली नमतों से नवाजेगा ऐसे अल्लाह ताली सज़ा भी देता है अगर उसकी बात न मानी जाए जैसे कहारहानरइम बंदा सोचा कि बंद अल्लाह ताली बहुत रायम करने वाला है फौरन क्या कह दिया मालिक उम्मीदी तो हिसाब से निपटना है हिसाब के दिन से गुजरना बैलेंस रहे ऐसा ना हो कि ये सोच करके कि अल्लाह जैसे बहुत सारे बेनमाजी को कभी कहा जाए या किसी गैर शरा यानी किसी हराम काम में मुबतला आदमी से कहा जाए कि अरे भाई ऐसा न करो ये ठीक नहीं है जायज़ नहीं तो क्या कहता है अल्लाह बहुत रहम करने वाला है अच्छा देखिए यही कहते हैं सही बात से गलत इस्तलाल करना अल्लाह तौल तो वाकई अल्लाह रहम करने वाला है इससे इस्तेदलाल क्या कर रहे हो तुम ये एक सही जुमला कह करके कि अल्लाह तला तो बहुत इंतहा मेहरबान है रहम करने वाला है इससे तुम इस्तेदलाल कितना गलत कर रहे हो वो रहम करने वाला है इसलिए मैं गुनाह करूं तो जहां से तुम्हें यह पता चला कि अल्लाह रहम करने वाला है वहां से यह भी तो पता चला इसी कुरान में है ना गाफिर तो गुनाहों को माफ करने वाला है तो कबूल करने वाला है लेकिन सख्त सजा देने वाला है तो उस आयत का एक एक थोड़ा सा हिस्सा ले रखा है कि अल्लाह तो गुनाह को माफ करने वाला है और आगे को छोड़ दिया ये उदियत है ये क्या है यहूदियत है यह है गुमराही यह है अपने आप को अल्लाह के आदाब का हाँ मुस्तक बनाना कि कुछ हिस्सा लिया और कुछ हिस्सा क्या कर दिया छोड़ दिया जो लगा कि हमारे फेवर में है फेवर में सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जो नफ्स ने चाहा उसको कबूल कर लिया बाकी को क्या कर दिया ये बीमारी में से किसी में भी हो सकती है कि दीन की बात चीज़ों को हम पसंद करें उसको कबूल करें उसका प्रचार करें लेकिन दीन की बहुत सारी बातों को या कुछ बातों को हम दीन तो मानते हैं लेकिन पसंद ना करें पसंद ना करें अगर कोई इस पर अमल करे तो उसको हम सराहे नहीं बल्कि उसको बुरा माने जैसे मिसाल के तौर पर तदुद अजवाज यानी एक से जायद शादी करना किसी नौजवान का दिल कहता है दो शादी कर ले तीन शादी कर ले। लेकिन आप मेंटेलिटी और जहनीयत देखें आप इस्लाम में जायज है उस पर सवाब मिलता है नेकी मिलती है सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं हम सब मानते हैं लेकिन जहनीयत ऐसी है कि जैसे जैसा तो कोई आदमी जुर्म करने जा रहा है कोई गुनाह का काम करने जा रहा है और कितने लोग सिरे से नापसंद करते हैं सिरे से नापसंद करते हैं कि ऐसा ना होता तो ठीक था यानी ये, ये ये कौन सी बात हुई ऐसा क्यों करने जा रहे हो या ऐसा तुमने क्यों कर लिया उस पर वो बातें भी करते हैं और फिर जिसने कर लिया है उसको बातें भी सुनाते हैं तो दीन में कुछ चीज़ें जो तुम्हारे मिजाज की उसको ले लो और जो चीज़ें मिजाज से नहीं मेल खाती उसको छोड़ दो यही तो करते थे ये लोग जिनके राह पर चलने से हमें मना किया गया जैसे एक बात आई कि ये लोग कहते थे अगर हम बाई चांस जहन्नम में गए भी तो चंद दिनों के लिए चंद दिनों के लिए यानी उनकी मेंटेलिटी ये थी कि अगर गए भी कुछ दिन भुगत भुदक लेंगे और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे वापस जन्नत में आ जाएंगे आज कितने सारे मुसलमान हैं जो इसी फीलिंग के साथ जीते हैं इसी जहनीत के साथ जीते हैं कि अगर गए भी तो कुछ दिन के लिए चले जाएंगे फिर लौट के भी कहााना है जन्नत में आना है एक सही बात से गलत इस्तलाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह इलाह इलाह का इकरार करो जन्नत में चले जाओगे प्यारे नबी ने फरमाया ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह इलाह का इकरार करो जन्नत में चले जाओगे तो एक अच्छी बात है काबिल कबूल बात है एक बहुत प्यारी बात है लेकिन इससे यह दलील कर लेना कि तो जन्नत में जाएंगे ही ना तुम जैसा वैसा करो जैसे मन में वैसी ज़िंदगी गुजारो ये बातिल रिस्तलाल कि अल्लाह के नबी या अल्लाह के कलाम से अपने मन के हिसाब से कोई चीज़ उठा लेना वहाँ पर जो उसका मस, मकसद नहीं होता है यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा है या रसूल ने फरमाया ऐसा है लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें क्या फरमाएं उसको भी सामने रखो ना उसे भी सामने रखो तब बैलेंस हो पाएगा यानी कि इसको लिया उसी पर उसी से अपने मन से कोई इस्तेदलाल कर लिया उसी हिसाब से फिर ज़िंदगी गुजारने लगे तो दी भाइयों अल्लाह ताला ने जब यह फरमाया कि आप कलमे का इकरार करो ने फरमाया कलमे इकरार करो उसकी गवाही दो जन्नत में चले जाओगे तो अल्लाह ताला ने कितनी जगहों पे ऐसा फरमाया कि ऐसा ऐसा ना करो और अपने आप को आग से बचा लो ये भी तो फरमाया तो मकसद क्या हो फरमाने का मकसद क्या बताने का कि असल यह है कि आप जन्नत में जाओगे लेकिन जहां से आपको यह पता चला कि आप जन्नत में जाओगे कलमे की वजह से वही रब आपको यह भी बता रहा है कि ये ये ना करो नहीं तो जहन्नम में चले जाओगे तो वो किस लिए बता रहा है इसीलिए बता रहा है कि ये सब ना करो तुम ये ना करो नहीं तो तुम जहन्नम में चले जाओगे अपने अल्लाह के नबी कहते हैं कि खजूर की आधी आधे हिस्से से भी अपने आप को बचाओ जहन्नम से आग से बचाने के लिए यानी आधा खजूर भी सदका करो वही सब बन सकता है तुम्हें जहन्नम से बचाओ का वही जरिया बन सकता है तो एक मोमिन को इस बात का खौफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो लापरवाही या जिस तरह की बदामली की जिंदगी गुजार रहा हूं मुझे जहन्नम में जाना पड़े ये जुमला लेकर के घूमना कि हमें तो जन्नत में जाना ही जाना है और फिर बदअमली की ज़िंदगी गुजारे और फिर बेअमली की ज़िंदगी गुजारे यही पिछले उम्मतों ने किया और उससे हमें ऐसी फीलिंग में रहने से हमें मना किया गया और हमें कहा जाता है हम बार बार ये कहते हैं गैर गैरमूब आलिम वलिन कि हमारे रब हमारी ये कैफियत न बना कि हम मकजूब आलिम में से हो जाए कि तेरा गज़ब आ जाए हम पर यह हम गुमराह में से हो जाए एक माना ये भी है समझने के लिए थोड़ा सा समझें कि पहले अल्लाह ताला ने मकजूब आलिम कहा उसके बाद वाला जालिन का इसके पीछे एकमत क्या है कि इल्म के बावजूद बेअमल होना या बदअमल होना ये ज्यादा खतरनाक है यह ज्यादा खतरनाक है बनस्बत किसके कि था जानकारी नहीं थी हालांकि कहकर के आदमी बच नहीं सकता कि मुझे जानकारी नहीं थी मुझे इल्म नहीं था ये कह कर बच नहीं सकता है। हम एक चालीस पैंतालीस साल जिंदगी गुजारने के लिए जिनका इल्मी होता है वो सब सीखते हैं कुछ नहीं छोड़ते कुछ नहीं छोड़ते अगर हमें पता है कि हमें यानी अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता है फिर बैंक से पैसा निकालना पड़ता है फिर चेक भरना पड़ता है तो कैसे कैसे क्या, क्या करना है खुद सीखेंगे या अपने घर के किसी के अफराद फर्द को सिखाएंगे या किसी की खिदमत लेंगे लेकिन उसको अमली तौर पर करेंगे हम बंद नहीं कर देते बंद नहीं कर देते कोई भी चीज़ जहाँ हम जिससे हमें फ़ायदा है चाहे हम खुद उसको सीख कर करने लगते हैं या किसी की मदद ले लेते हैं लेकिन उसको छोड़ते नहीं ये बोल करके कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं मालूम इसलिए नहीं छोड़ते उसमें लगे रहते तो दीन के मामले में ये कह देना कि मुझे नहीं पता ये मैं नहीं जानता हूँ ये मुझे नहीं पढ़ना आता है और ना सीखो ऐसा नहीं है आपकी ताकत और आपके बस में जितना इल्म फ़र्ज है उतना आपको हासिल करना ही करना है उसे कोई छुटकारा नहीं इसलिए दोनों इसमें शामिल हैं ना तो हम बेइल्मी की जिंदगी गुजार सकते हैं कि इल्मी ना ऐसी जिंदगी गुजार लो और ना तो ऐसा कि इल्म आने के बाद अमल ना करें हमें इल्म भी हासिल करना है और फिर उस पर अमल भी करें यह सरात मुस्तकीम है अल्लाह ताली से दुआ है कि जो भी बातें आई हैं तरतीब बेतरतीब जो भी बातें आई अल्लाह ताली हमें इस पर अमल करने की तौफीक तोफ़ी कदाए अल्लाह ताली हमारे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए अल्लाह ताली हम सबको कसरत से अल्लाह की हमद बयान करने वाला बनाए अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में पैदा करे अल्लाह ताली हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ही से मदद मांगने की तौफीक अता फरमाए हम सबको सरत मुस्तकीम पर अल्लाह तौर जब तक हम जिंदा रहें गामजन रखे हमारा खात्मा भी हो तो सरत मुस्तकीम पर खात्मा हो आमीन या अस्सलाम व रहमतुल्लाहि